हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं? मैं दयानंद और आप देख रहे हैं दया टेक हिंदी यूट्यूब चैनल। अभी टिकटॉक पे एक वीडियो काफ़ी वायरल है जिसमें दिखाया गया कि आसमान से बंदा गिर रहा है। आज मैं आपको इसी टॉपिक पे मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से वीडियो बनता है। आज मैं आपको कुछ इस तरह से वीडियो बना के दिखा इस तरह का वीडियो बनाना बहुत आसान है। मैं इसमें जो भी यूज करूंगा सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज का नया ट्यूटोरियल। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको खाली बैकग्राउंड को रख लेना है, उसके बाद आपको कैमरे के सामने आना है। आपको इस तरह से जंप करना है, जंप करने के बाद आपको इस तरह से गिरने का एक्टिंग करना है, यानी इस तरह से लेटना है जमीन पे। उसके बाद इस तरह से उठे और आपको जो भी एक्टिंग करना चाहते हैं जैसा भी करना उस तरह से एक्टिंग कर ले। अब आपको कान मास्टर की जरूरत पड़ेगी, कान मास्टर को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं प्लस का आइकॉन है, इस पर क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर में देख सकते हैं मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा, मीडिया पे क्लिक करना है। जो आपने अभी रिकॉर्डिंग किया है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऊपर से ओके करना है। अगर वीडियो में कोई ऑडियो है तो उसे हटाने के लिए वीडियो पे टच करना है, स्पीकर पे क्लिक करना है, यहाँ से ऑडियो को म्यूट करके ऊपर से ओके कर देना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो खाली बैकग्राउंड है इसका एक फ़ोटो कैप्चर करना है। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं बगल में कैप्चर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और नीचे देखें कैप्चर एंड ऐड एंड क्लिप, इस पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, नीचे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको सिलेक्ट करना है, उसे कट करना है। जैसे मैं यहाँ से वीडियो रखना चाहता हूँ तो कैंची पे जाना है, लेफ्ट साइड में कट करके हटा देना है। उसके बाद ऊपर से ओके करना है। उसके बाद जहाँ पर आप जंप कर रहे हैं, वीडियो को आगे बढ़ाना है, जहाँ पर आप यहाँ देखें जंप कर रहे हैं यहाँ पे क्या करना है, फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ से कैप्चर एंड सेव कर लेना है। तो कैप्चर करने के बाद अब इसी जगह बिना वीडियो हिलाए वीडियो को टच करना है, कैंची पे जाना है और 20 सेक कट करके हटा देना है। उसके बाद ऊपर से ओके करना है। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है और जहाँ पर आप यहाँ लेटने का एक्टिंग कर, जैसे यहाँ पर गिरे हुए हैं यानी लेटे हुए हैं, यहाँ से आपको एक फ़ोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ से कैप्चर एंड सेव करके फ़ोटो कैप्चर कर लें। उसके बाद वीडियो को बिना हिलाए वीडियो को टच करना है, कैंची पे जाना है और लेफ्ट साइड में कट करके हटा देना है। उसके बाद ऊपर से ओके करना है। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाना है और इसमें आपको जहाँ तक वीडियो रखना है यानी लास्ट पॉइंट, जैसे मैं यहाँ तक वीडियो रखना चाहता हूँ और यहाँ से हटाना चाहता हूँ, बाकी पोर्शन हटाना है तो कैंची पे जाना है, राइट साइड में कट करके हटा देना है। ये आपका कटिंग प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है। अब ये जो बैकग्राउंड है जो खाली वाला, इसको खींच के आपको बीच में कर देना है, इस तरह से बीच में कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेट ऑन करना है और रिमूव बीजी टाइप करना है गूगल पे, और इसमें आपको जितने भी अभी फोटो कैप्चर किया है उसका बैकग्राउंड को हटाना है। अगर आप मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं तो आपको मालूम होगा किस तरह से आप अपना बैकग्राउंड को हटाते हैं, ठीक है। हटाने के बाद काइन मास्टर पे दोबारा आना है और इस जगह जहाँ पर जंप किया है यहाँ पर लेयर पे जाके उस वाला फ़ोटो को जो आपने PNG में कन्वर्ट किया है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है, फुल स्क्रीन कर देना है। और फुल स्क्रीन करने के बाद जो नीचे जो लेयर में है इमेज, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको छोटा करना है। तो कैंची पे जाके कट कर देना है। अगर कटिंग का ऑप्शन नहीं है तो इसको स्लाइड करके इस तरह से छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद अब इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में आना है। अब इसमें सबसे पहले ऑडियो ऐड कर लें, इससे क्या होगा कि आपको एडिटिंग करने समय आसानी होगा। अब इसको एनिमेशन देना है तो चाबी पे क्लिक करना है और इमेज को इस तरह से यानी वीडियो को लास्ट में करना है, प्लस का डॉट देना है और अपने फोटो को इस तरह से आसमान की तरफ सेट कर उड़ा देना है। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है। चलिए मेरा वीडियो इस तरह से बन के तैयार है, देखिए इस तरह से आपका वीडियो बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आप नीचे अगर धुआं देना चाहते हैं मेरे वीडियो जैसा तो लेयर पे जाना है, यहाँ पे ओवरले का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टीरियस फॉग। अगर आपके पास नहीं है तो गेट मोर पे क्लिक करके डाउनलोड कर ले। तो मिस्टीरियस फॉग में बहुत सा फॉग है, इसमें जो भी आपको फॉग लगाना है उसको सिलेक्ट करके ऊपर से ओके कर देना है। अब इसको क्या करना है, इसको भी आपको छोटा करना है, जहाँ से आपका फॉग स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको कट करके इस तरह से कट करके हटा देना है, यानी मेरा फॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको स्लाइड करके आपको अपने पैर के नीचे इस तरह से सेट करना है। उसके बाद इस तरह से आप पैर के नीचे सेट कर लें। सेट करने के बाद इसको आप छोटा कर लें, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब वीडियो को आगे बढ़ाया, जहाँ पर आप गिरने का साउंड आ रहा है वहीं पर लेयर पर जाके और जो आपने लेटे हुए हैं यानी गिरने का जो एक्टिंग किए हैं उस इमेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, PNG इमेज को, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको फुल स्क्रीन कर देना है, इस तरह से फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन करने के बाद इसका साइज भी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं करना है,
आपको इस तरह जितना बड़ा आपका ये वीडियो है उतना ही बड़ा आपको नीचे से कट करके हटा देना है, ठीक है। तो इस पर टच करना है, कैंची पे जाना है और यहाँ से राइट साइड में कट करके हटा देना है, उसके बाद ऊपर सूखे करना है। और इसका भी ज़्यादा बड़ा साइज नहीं रखना है, इसको छोटा कर देना है। अब इसको एनिमेशन देने के लिए क्या करना है, पहले सबसे पहले आप अपने इमेज को ऊपर ले जाए, ऊपर ले जाने के बाद चाबी पे क्लिक करना है। चाबी पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो को आगे बढ़ाना है और एक प्लस का डॉट देना है और अपने फोटो है जो ऊपर किया है उसको नीचे इस तरह से ला के सेट कर देना है। उसके बाद ऊपर से ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मेरा वीडियो किस तरह से बना है, तो आपका वीडियो सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है, ये तो आपका वीडियो है और जहाँ पे आप जी रहे हैं, अगर चाहते हैं कि आप यहाँ भी धुआं लगाए, फोग वगैरह लगाए, तो प्रोसेस सेम है। लेयर पे जाके ओवरले पे क्लिक करके मिस्टीरियस फोग पे आना है और यहाँ से जो भी फोग लगाना चाहते हैं, जो भी धुआं लगाना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करके आपको इस तरह से लगा देना है। अगर आप बादल वगैरह लगाना चाहते हैं तो बादल भी लगा सकते हैं। लेयर पे जाके, मीडिया पे जाके आप यहाँ से अपना स्काई या बादल जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अब इसको सेव करने के लिए शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है, नीचे से आपको एक्सपोर्ट कर देना है।